क्या नाम है आपका? कमला। किस गांव से आई हैं आप? दिमना से। हाँ, जो अभी खत्म हुए हैं जो चौकीदार हैं थाने के, कौन है आपके पति? कैसे खत्म हुए? सोबरन ने, बबलू ने लाठी मारी है सोबरन से लेकर। किस बात पे लाठी मारी है? दारू पी के। क्या कुछ हुआ था गांव में? गांव में कुछ नहीं हुआ था, दोनों लोग इनको पिला के लाए, उनको पी के तई बोले क्या कहते लेट 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 जे बोले मैं घर पे बैठा हूँ मैं कैसे लेट जाऊँ, उनने छीन के कदू ज़्यादा दादागिरी में फिरता तू थाने जाता है उठा कर लाठी मार दी। जब लाठी मारी थी उसके बाद में अस्पताल लेके गए थे आप? नहीं नहीं, हम तो घर पे ही ले पड़े थे। हमने पुलिस वाले से बोला कर सर इनको मर गए तो हम इनको क्या करेंगे, आप ले जाओ। तो उन्हीं ने गाड़ी मंगाई पुलिस की, 100 नंबर की। हाँ बोले क्या कहते ये नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, वहाँ एक आदमी नहीं सब 50 आदमी है। कितने बजे की घटना है? अभी खत्म हुई 9:30 की। 9:30 की नहीं, अभी खत्म कितने बजे हुए? खत्म जी 6 का टाइम था, करीब 6 बजे खत्म। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। थाना मीरगंज के अंतर्गत एक व्यक्ति राम भरोसे अपने घर में था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों के द्वारा 4 लोगों को उसकी मौत के लिए दोषी बताया गया और इस आधार पर एक 302 और 3 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो शव का जो पोस्टमार्टम है वो कराया गया। पोस्टमार्टम में मौत का जो कारण है वो सर पर चोट आया है। पुलिस के द्वारा इसमें जो 4 नामजद है उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटना है उसमें पता चला है कि दोनों ही जो लोग हैं उनके द्वारा शराब का सेवन करने के उपरांत झगड़ा किया गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा एक जो डंडा है वो उसके सर पर प्रहार किया गया, जिसके बाद वो घर गया और घर पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो अन्य जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे आ रहे हैं अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामधुन। क्या कुछ हुआ था और जो खत्म हुए वो कौन है आपके? वो मेरे भाई हैं सर। क्या हुआ था? ऐसा सर, इनने इसे ले गए दारू पिलाने के लिए और इनसे पहले पुरानी वो चल रही थी तंगबार लोगों से, हाँ रंजीत, तो इन लोगों ने ठाकुर के लड़के को दारू पिलाई कि आज इसको मारना है साहब, तो वो उनके कहने पे चले गए साहब, थोड़ी सी पियाए और उसे कह के और बोले साले तूने इसको भंगी को ऐसे जाने दिया हैं, इसे सारे घर में धस के मारना चाहिए। तो साहब सोबरन ने और उसको पकड़ा और बबलू ने उसको लाठी बजाई साहब घर में धस कर, और वीरेंद्र उसका सगा भाई उनका भी हाथ था और गंगाराम चक्की वाला उसका भी हाथ था। कितने बजे की घटना थी जब ये? 9:30 की घटना थी सर। अच्छा, उसके बाद में आप कहीं लेके गए थे क्या डॉक्टर? उसके बाद में सर हम आए थे काम करके, हमें पता चला तो हमने भाई ऐसी ऐसी बात होगी, हमने भाई कैसे हैं जब सब तरफ से रास्ता घेर लिया, तो सब रास्ता घेरी थी गांव में साहब, डॉक्टर को दिखाया था ऐसी, तो डॉक्टर बोला भाई हम नहीं कर पाएंगे, इनकी तबीयत बहुत हालत ख़राब है, बच नहीं सकते, बरेली ले जाओ सर। चोट कहाँ कहाँ पाई? चोट सर सिर में 2 लाठी मारी हैं और यहाँ पीठ वीठ पर लाठी मारी। आप कौन है मृतक के? मृतक के भाई हैं। लगभग कब से चौकीदारी कर रहे थे थाने? ये साहब इन्हें हो गई 20 साल। क्या नाम था इनका? राम भरोसे। चलो उसमें रखता हूँ गाड़ी में रख दे, आराम से जमीन पर ठीक है, खराब लग रहा है। चलो एक आदमी अंदर अब ये हो गया तमाम, तो बड़ा दिक्कत हो रही है, देख रहा हूँ इसको गाड़ी पर रख दो, यहाँ जमीन पर ठीक नहीं है, अहंकार में अंधा हो गया सर आदमी।